हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वेबसीरीज़फीवर के एक और एपिसोड में। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम रिव्यू करने वाले हैं एमएक्स प्ले ओरिजिनल्स की लेटेस्ट वेब सीरीज आपके कमरे में कोई रहता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस वेब सीरीज़ का हम रिव्यू करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास देखने को मिलता है आपको इस सीरीज़ के अंदर, क्या ये सीरीज़ आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं, सारे कुछ डिटेल में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों बिना बड़ी को लंबा की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें एमएक्स प्लेयर्स की ये लेटेस्ट वेब सीरीज की। दोस्तों ये बेसिकली कॉमेडी हॉरर जॉनरा की ये वेब सीरीज है जिसके अंदर आपको एज अ लीड रोल में देखने को मिलने वाली है स्वरा भास्कर, सुमित ब्यास, नवीन कस्तूरी, आशीष वर्मा जैसे एक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। और इस पूरी सीरीज को डायरेक्ट किया है गौरव एस सिन्हा ने। बात करें दोस्तों इस वेब सीरीज की स्टोरी और प्लॉटिंग की, तो दोस्तों इस सीरीज में जो स्टोरी है वो कुछ खास स्टोरी आपको देखने को नहीं मिलती है। फिलहाल अगर बात करें इसके स्टोरी की, तो दोस्तों इस वेब सीरीज के अंदर आपको कुछ लड़के देखने को मिलते हैं, कुछ बैचलर लड़के देखने को मिलते हैं जो कि एक अपार्टमेंट में जो है वो शिफ्ट होते हैं, और उस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद उनके साथ कुछ हॉरर एक्टिविटीज होती हैं, और फिर किस तरह से वहाँ पर एंट्री होती है स्वरा भास्कर की, फिर आगे क्या कुछ होता है इसकी पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। और दोस्तों बता दूँ इस सीरीज के अंदर आपको जो है टोटल 5 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे से एपिसोड हैं। और दोस्तों बता दूं अगर बात करें इसकी आईएमबीडी रेटिंग की, तो दोस्तों इसकी जो रेटिंग है वो 3.4 की है। और दोस्तों बता दूं ऑल ओवर ये सीरीज एक बेकार सीरीज में से एक है। तो दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हो कि ये एमएक्स प्लेयर की आप इस सीरीज को देखना है, तो मैं दोस्तों आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इस सीरीज को देखकर अपना वक्त बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, क्योंकि इस सीरीज के अंदर आपको ना ही कॉमेडी देखने को मिलती है, ना ही कुछ हॉरर चीज देखने को मिलती है, और ना ही दोस्तों यहाँ पर जो एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग भी आपको काफ़ी ज़्यादा ढीली देखने को मिल जाती है, और खासकर की जो स्वरा भास्कर है उनकी एक्टिंग आपको काफ़ी ज़्यादा वाहियात देखने को मिलती है। और दोस्तों बता दूँ इस सीरीज के अंदर जो डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग भी काफ़ी ज़्यादा वाहियात आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस सीरीज से बिल्कुल ही दूर रहें। और दोस्तों अगर आप फिर भी अगर इस सीरीज को देखना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको ये सीरीज एमएक्स प्लेयर पर बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज के अंदर टोटल 5 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही थी इस वेब सीरीज का रिव्यू। आपको रिव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।